अमोली ने कहीं स्टेटमेंट दिया कि जब हम लोग जब विराट कोहली बात कर रहा था हमसे कि मुझे कैप्टनसी छोड़नी है तो मैंने उसको मना किया कि कैप्टनसी नहीं छोड़नी थी, मतलब कि गांगुली ने मना किया कैप्टन नहीं छोड़ना है, ये उसने मीडिया में बोला। हाँ नहीं छोड़ना। हाँ दूसरी तरफ विराट ने मीडिया में जाकर बोला कि मुझे कभी भी प्रेसिडेंट ने ये बात बोली नहीं। हाँ बस उसने कॉन्फ्रेंस किया, सच्चाई है क्या सर? बोला था उसने, नॉर्मल कोर्स है ना, बोला था उसने सौरभ गांगुली ने कि सोच लो एक बार, जो माइंड भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विराट ने नहीं सुना होगा, और वहां तो 9 लोग बैठे थे, एक तो आदमी होता नहीं है, तो सारे लोग थे, मैं भी था उसमें, सारे सिलेक्टर थे, बोर्ड के सब थे, सब अवेलेबल थे, या तो विराट को सुना नहीं या विराट ने क्या, मुझे नहीं पता। देखो वो विराट उसने झूठ बोला हमें नहीं पता, विराट को पता होगा क्यों कहा विराट ने, और कोई वो ऐसे कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? उसका यही मकसद वही बता सकता है। तो सच्चाई क्या था सर? सच्चाई ये था, तो बात तो हुई थी, 6 लोग 8 9 लोग बैठे थे, बात तो हुई थी, मैंने गांगुली ने कहा था, गांगुली ने कहा था विराट झूठ बोल रहा था, क्यों कह रहा था कि विराट झूठ, आज तक किसी को नहीं पता, वो तो उनका पर्सनल मैटर, वो उसका पर्सनल मैटर, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था कि बोर्ड वर्सेस प्लेयर हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला, इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने हाइपोथेटिकल बात बताइए, मकसद वही आपको बोला ना, ईगो उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरभ गांगुली का हाथ है, उन्हें सौरभ गांगुली को हटाना चाहता है, हटा दिया तो उसकी जगह किसको लाना चाह रहा है सर? रोहित शर्मा हाथ हो गया था, मतलब यही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्रिकेट में नहीं गुजरे हो, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, दो ईगो क्लैश है, गांगुली वो एक सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने हटाया तो उसकी मैं मर्जी ठोकूंगा, वो उसने स्टेटमेंट दिया कि उसको लिटरली बदनाम करने के लिए कि गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये बताने की कोशिश की मीडिया, और जो वो उस पर उल्टा हो गया। Sharma claims Kohli was lying and that he was present when Ganguly asked the then captain to reconsider his stance. So did the BCCI then ease Kohli out to favor his deputy Rohit Sharma? Isko hum off record bata rahe hain, favorite team jod dete hain ki Ganguly jo hai aap Rohit Sharma favor kar rahe the. To Ganguly bata sakta hai ki nahi, ye sir हम लाइन खींच रहे हैं सर, एक तार खींच रहे हैं, नहीं ये सर्चों पर आ जाएगा ना, ये आपके ऊपर क्यों आएगा सर? सिलेक्टर तो उन्होंने बनाया, यानी इसके अंदर सर काम कर रहे थे सर, विवाद चल रहा है, मान लीजिए विवाद चल रहा है, फिर अचानक आपका हम ये मत कहो कि रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे, विराट कोहली को पसंद नहीं करते, सर एक उल्टा चलो ना।